वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम डॉक्टर शिफाली सोनी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी यूटीआई की, तो उसका एक मेन सिम्टम होता है डिस्यूरिया। आज हम बात करेंगे डिस्यूरिया क्या होता है, डिस्यूरिया और डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन। मतलब जब पेशेंट को यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी हो या उसको पेन हो या बर्निंग हो, तो ये सिम्टम डिस्यूरिया के होते हैं। ये गायनेकोलॉजी की एक मेन प्रॉब्लम होती है। और डिफ़िकल्टी दो टाइप की हो सकती हैं, या तो मैकेनिकल या पेनफुल। तो मैकेनिकल जो डिफ़िकल्टी होती है उसके कॉज क्या क्या हैं, तो जो फैक्टर होते हैं जब पेशेंट यूरिन को रिटेन करके रखता है, मतलब यूरिन का पास आउट नहीं हो पाता, तो ब्लैडर में यूरिन काफ़ी टाइम तक कलेक्ट रहती है, मतलब उसका रिटेंशन होता है, तो उसके बाद ये डिफ़िकल्टी होती है। और यूटराइन प्रोलैप्स विथ बिग सिस्टोसील, अगर यूटराइन प्रोलैप्स यानी जो ब्लैडर है वो बाहर आ जाता है, मतलब और उसमें सिस्टोसील हो जाता है। अब पेनफुल मिक्चुरेशन, दो टाइप के कॉज हैं, एक मैकेनिकल और एक पेनफुल। तो पेनफुल या तो ब्लैडर में कोई कॉज हो, कॉज इन द ब्लैडर, तो ब्लैडर में लीजन हो सकते हैं, जैसे सिस्टाइटिस हो सकता है, या इन्फेक्शन ड्यू टू ई कोलाई बैक्टीरिया, कार्सिनोमा और पेपिलोमा ऑफ ब्लैडर। अब कॉज इन द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में कौन कौन से कॉज हो सकते हैं, यूथराइटिस, टेंडर और प्रोलैप्स ऑफ यूटराइन, और पोस्ट ऑपरेटिव कॉज इसके कारण डिस्यूरिया हो सकता है। और डिस्यूरिया के और भी कारण होते हैं, जैसे सिस्टाइटिस, कैथेटराइजेशन और ट्रॉमा। तो डिस्यूरिया के लिए भी वही मेडिसिन वर्क करेगी होम्योपैथी में, जो कि यूटीआई के लिए वर्क करती है। लेकिन इसमें क्या, सिम्टम सिमिलरिटी को देखकर ही मेडिसिन चूज़ की जाती है। पर्टिकुलर एक सिम्टम के आधार पर हम मेडिसिन को चूज़ नहीं कर सकते। जैसे कैंथेरिस में ये सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट होता है, जिसमें बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, डिफ़िकल्टी इन मिक्चुरेशन होता है, और बार बार मतलब यूरिन को बार बार आना, फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ा हुआ रहता है। बाकी सारी मेडिसिन वही रहेंगी, जैसे कि बर्बेरिस, सारसा, पेरिल्ला, नक्स वोमिका, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। थैंक यू।